यहाँ पे लग रही है बैठने में। जाके निकलेंगे यहाँ से जिसमें तो बाहर आ चुके हैं। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का एक और मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो भाई अभी रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम निकलने वाले हैं मामा जी के यहाँ पर। आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, ये वाला जो ब्लॉग है ये ट्रिप वाला ब्लॉग है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हरिद्वार ही जा रहे हैं, उत्तराखंड की साइड में पड़ता है हरिद्वार, तो वहीं जा रहे हैं। अभी हमारी 9 बजे की बस है जो कि हम उस बस में बैठेंगे और कल यानी दूसरे दिन हम पहुंच जाएंगे। सुबह 8 से 9 बजे के समथिंग में पहुंच जाएंगे हरिद्वार, फिर वहां से घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी मामा जी के यहां पर जाएंगे यहां से और वहां से बस करेंगे। तो अभी अपनी पैकिंग वगैरह अपनी एकदम डन हो चुकी है, बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। और भाई हम सब जितने भी हैं ना, लास्ट टाइम 10 साल पहले गए थे, 2012 में गए थे और अभी जा रहे हैं, तो सभी लोगों को लगभग 10 साल के जाने का तो एकदम मस्त ही एक्साइटमेंट है अपने। और जितने भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, दिखाऊंगा आप लोगों को कितने सारे जने हैं। तो बहुत लोग जा रहे हैं, अपनी पैकिंग हो चुकी है डन, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। खाना पीना भी एकदम रख लिया है और इससे ना थोड़ी अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है ब्लॉग करने का, क्योंकि एक साथ स्विच कराना है दूसरे सिस्टम पर। तो इसलिए ये वही गोरिल्ला बोर्ड जो कि मैं लेके आया था, जो कि अभी अजीब सा लगा पर धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। और अपनी पैकिंग वगैरह पूरी डन हो चुकी है, एक ही वाला बैग है और ये एक मेरा बैग है जिससे मैं अपने साथ में लेके जाने वाला हूँ। और ये रहे वो सूट जो कि आज ही डिलीवर हुए हैं मेरे पास। तो भाई अभी रात के लगभग 8 बज चुके हैं और सभी लोग तैयार हो चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं मामा के घर पे जाने के लिए। और एक बार अपने सिस्टर से वो पूछते हैं भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा है जाने में, हम अब जा रहे हैं 10 साल में एक बार। हाँ भाई, तो ये सिस्टर है अपनी, कैसा लग कैसा रहा जाता? 2012 में गए थे, 2012 में जा रहे हैं, 10 साल हो गए, कितने कुछ चेंज हो गया होगा भाई। और लास्ट टाइम हम ट्रेन से गए थे और इस बार बस में जा रहे हैं, तो ये भी अपना अलग ही एडवेंचर करने वाले हैं फैमिली के साथ, ये भी अलग एडवेंचर है। तो चलते हैं पहले मामा जी के यहाँ पर। तो फैमिली अभी सब लोग घर से निकल चुके हैं, मैं अंदर रह गया हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं भी निकलता हूँ और इस ट्राइपॉड को बैग में डाल लेता हूँ, क्योंकि रास्ते में लेकर तो चलूँगा नहीं ना, इसलिए इसे बैग में डाल लेता हूँ फटाफट और आप लोगों से सीधा मैं अपने मामा जी के यहाँ पर मिलता हूँ। तो चलते हैं पहले मामा जी के यहाँ पर। तो भाई अभी मामा जी के घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे 9 बजे की अपनी बस से, पर अभी अंदर सब लोग रेडी हो चुके हैं, रेडी हो रहे हैं अभी, हुए नहीं हैं वो, रेडी हो तब जाके निकलेंगे यहाँ से। और अपने पास एक भाई आ चुका है अपना, और ये भी अपने साथ में ही जाने वाला है, और ये तो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना। यस, ये पहली बार जा रहा है, हम तो गए थे सब लोग, अभी कोई कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, तो इसलिए अभी सब लोग इकट्ठा नहीं है, पर अभी रेडी हो रहे हैं अंदर, जब निकलेंगे तब चलते हैं बस के पास। रुक जा, निकल तो जाने भाई, चलो अब चल रहे, चलो। तो भाई सब लोग निकल गए हैं, मैं मुंह पे आते हुए नानी ये देखिए। तो भाई अभी बस के पास जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर होगा अपनी बस, और मुझे यहाँ से दिख रही है साफ साफ। बस। तो भाई फैमिली ये वाली बस है जिसमें कि हम जाने वाले हैं, अभी इसके पास आ चुके हैं, अभी इसके अंदर जाके देखते हैं कौन सी सीट है अपनी, लग तो यही रहेगी यही वाली बस है। मेरे पास यार था भी नहीं कुछ गाने सुनने के लिए। तो फैमिली अभी बस में बैठ चुके हैं, पता नहीं कितनी देर में चलने वाले हैं, अभी सब अपनी सीटों पर ढूंढ रहे हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने साथ ये भाई बैठा, अपने जितनी सिस्टर है वो हमारे वाली सीट से आ गई, कितनी देर में चलने वाले हैं। तो अपनी जो सिस्टर है वो इस वाली लाइन में, और पीछे भी अपने ही जानने पहचानने वाले बैठे, और मम्मी जो भी है वो अपने आगे बैठे हैं। आ जाओ
पूरी फैमिली अपनी बस ने फर्स्ट स्टॉप ले लिया है। अभी यहाँ कुछ क्लास से होटल नाम का कोई होटल है, वहाँ पर आके रुके हैं। अभी फिलहाल हमारी बोतल खाली हुई थी तो हमने यहाँ से बोतल भर ली, और यहाँ पर कुछ ढाबा था तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अब अपनी जो बस है वो रोड के उधर की साइड खड़ी है और हम उधर की साइड आए थे पानी भरने। भाई अभी रात के 12:30 होने वाले हैं और अपनी जो बस है इधर खड़ी है, अभी इसे टाइम है थोड़ा निकलने में, और अपनी जो पूरी पलटन है वो उधर खड़ी है। पता नहीं क्या रात के 12 बजे भूतों की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या गिर गया? तो भाई अपने बस में आके बैठ चुके हैं, बस थोड़ी देर में चलने वाली है। और अपना जो एक भाई है वो भाई अभी तक वहीं खड़ा है, आएगा जब भीड़ आएगी तभी आएगा निकल के। वो भाई जगह देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है। ओए साहिल बंस आ जा मेरे पास, आ जा यहीं बैठेंगे दोनों। बुलाया किसी और को और कोई आ गया भाई, वाह भाई वाह, चल हम घोड़े सही है। और है और कुछ है और क्या सही है? कितनी देर में चला रहे हो बस भाई, चलाओ जल्दी। इनकी महिमा है सब। कौन सा ढंग से बताओ भाई। ओ बोले है शायद है अपने पास है, पहले मैं बैग में। तो भाई फैमिली देख रहे हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ आप लोगों को इधर ही रोशनी दिख रही होगी, और ये रोशनी उसकी है बस की। अभी ना सब लोग बाहर आ चुके हैं बस के, और रात के लगभग रात के मान लो या तो सुबह के मान लो 3:30 बज चुके हैं, और बस अपनी ख़राब हो चुकी है। तो यार बहुत गलत सीन हो गया यार, रो ना आ रहा भाई। बेचारे सब लोग बाहर आ चुके हैं, आ जा चल बस में बैठेंगे। तो फैमिली अभी ना सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं, और अपनी जो बस है वो ख़राब हो गई है, और वो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है हम ना दूसरी बस से। एक यहाँ ढाबा है, या इस ढाबे का नाम है वरदान चौधरी ढाबा कुछ करके है। तो अभी यहाँ पे खड़े हैं सब लोग, बस सही होके आए उधर से तब जाएंगे निकलेंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे हरिद्वार। और अपना जितना भी सामान है सब दूसरी वाली बस में रखा है। तो भाई ये है वो ढाबा, वरदान चौधरी ढाबा है कुछ ऐसा ही करके है, और अभी हम पता नहीं कहाँ पे हैं, और यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग अपनी बस का इंतज़ार। और अपनी जो बस है इधर की साइड खड़ी है, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे है, हम आगे आ गए थे। तो भाई अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, और पूरा उजाला भी हो चुका है, और अभी हम आए थे इधर थोड़ा घूमने फिरने, क्योंकि अभी बस को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बता रहे थे अभी 2 घंटे और लगेंगे बस को सही होने में, अभी तक बस सही नहीं हुई है। और अभी हम यहाँ पे आए थे घूमने, और यहाँ पे हमें मस्त सी चीज़ दिख गई, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये रही मस्त प्यारी सी जगह, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं ना, यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत हैं, और मस्त व्यू आ रखा है अपना जो उधर की साइड है। हम रोड से थोड़ा सा इधर की साइड आ गए, और इधर पानी चल रहा है मस्त, ताज़ा ताज़ा पानी चल रहा है खेतों में, और उनका शायद वो जो अंकल जी ना उधर है वो आपको दिख रहे होंगे बोले, और उनकी साइकिल ले रही, और यहाँ पर सब खड़े सनराइज़ हो रखा है अभी, तो सनराइज़ हो रहा है उधर, सब लोग सेल्फियाँ लेने में मगन। वो उधर सेल्फी ले रहा है, मैं उसके कैमरे में आ रहा हूँ, और वो मेरे कैमरे में आ रहा है। वाह वही वाह। तो भाई वहाँ से अच्छी ना ढाबे से अच्छी जगह तो फैमिली मुझे यहाँ पे लग रही है बैठने में। अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, रोड से सारे मस्त ठंडी ठंडी हवा लगी है, और उधर ढाबे से तो इतनी भीड़ हो रखी है, मैंने दिखाया था इतनी भीड़ हो रखी है वो कि बैठने के लिए जगह भी नहीं है। और यहाँ बैठ के ना फ़ोटो भी खींचे, बहुत मस्त प्यारे प्यारे फ़ोटो आए। पर अभी यहाँ से चलते हैं, अपना ये भाई है ना नहाने के लिए देख रहा है यहाँ पर, क्योंकि पानी की ज़्यादा व्यवस्था है, तो यहाँ पर सोच रहा है कि यहाँ से ही नहा के जाए। तो यहाँ से चलते हैं पहले, नहीं तो चल चल। कितना मस्त रोड हो रखा है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, वाह। और ये चल रही अपनी गैंग हगरी गैंग। अभी रोड से एक ये कच्चा रास्ता दिखा हमें, तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं कुछ ढूंढने, चलते हैं इधर भी चलते हैं कुछ शायद पानी की
कुछ टूगल वगैरह हो जाए, लोग बता तो रहते इधर भी है टूगल वगैरह, तो देखेंगे वो भी जैसा उधर उधर है, पर उसकी ना जो नहाने का जो वो होती है कुंडी टाइप जो होती है वो थोड़ी ख़राब सी थी, इसलिए उसमें अपने भाई ने मना कर दिया नहाने के लिए। अभी और देखते हैं, वैसे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे और बाकी के जितने भी सब मेरे से आगे चल रहे। जगह एकदम ख्याल है भाई, मस्त है। और यहाँ से हरिद्वार जो है वो अभी 150 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर है अभी हरिद्वार से, पता नहीं लगभग 10-11 बजे के समथिंग में तो पहुँच ही जाएंगे वहाँ पर। हम वहाँ तक गए पर वहाँ कुछ था ही नहीं, पोपट हो गया भाई। और ये दोबारा उधर की साइड ही जा रहे हैं। तो भाई अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, ये एपिसोड 1 था और इससे आगे का एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैंने एपिसोड 2 एडिट नहीं हुआ है, तो फटाफट मैं एपिसोड 2 को एडिट कर लेता हूँ, फिर अभी तो अपलोड करूँगा। ओके बाय।